आगामी लोकसभा वैशाली नगर भिलाई में कांग्रेस के चुनावी संकल्प शिविर में उपस्थित कैबिनेट मंत्री छत्तीसगढ़ शासन के मंत्री माननीय तामधर साहू जी, पूर्व विधायक माननीय भजन सिंह निरंकारी जी, दुर्ग जिला कांग्रेस कमेटी की अध्यक्ष श्रीमती तुलसी साहू जी, पूर्व विधायक श्रीमती प्रतिमा चंद्राकर जी, साडा के पूर्व उपाध्यक्ष बिजमोहन सिंह जी, सिज्जू एंथोनी जी, मंगा सिंह जी, वाईके सिंह जी एवं उपस्थित ब्लॉक कांग्रेस कमेटी के अध्यक्षगण एवं समस्त सम्मानित पदाधिकारीगण, भाइयों एवं बहनों, आज हम लोग देश के गहन मुद्दों पर चर्चा करने के लिए इस संकल्प शिविर में एकत्रित हुए हैं, जिसकी जानकारी बूथ स्तर के कार्यकर्ताओं को होनी चाहिए, जो जमीनी स्तर पर जाकर जनता को बता सकें और संवाद कर सकें कि आज पूरी दुनिया की निगाह भारत और पाकिस्तान पर लगी है, जो हिंदुस्तान की सेना ने इस देश के लिए काम किया है और देश के जवानों ने जो शहादत दिया है, इस पर भाजपा के लोगों को राजनीति नहीं करनी चाहिए। लेकिन देश के प्रधानमंत्री आदरणीय मोदी जी कहते हैं कि भाइयों बहनों, ये नया भारत है, आतंक के सामने कभी नहीं झुकेगा, चुन चुन कर हिसाब लेना मेरी फितरत है। यह बात उन्होंने वायुसेना के एयर स्ट्राइक पर सवाल उठाने वाले विपक्षी दलों पर प्रहार करते हुए कहा। मैं भारतीय जनता पार्टी की सरकार को यह बताना चाहता हूं कि इसके पहले सन 1971 में श्रीमती इंदिरा गांधी जी ने भी कैसे पाकिस्तान को पानी पिलाया और आयरन लेडी कहलाई। उस वक्त पाकिस्तान चीन और अमेरिका के ताकत पर फूलते हुए भारत को गिदड़ धमकियां दे रहा था, तो देश की आयरन लेडी इंदिरा जी ने पाकिस्तान को सबक सिखाने के लिए बिना किसी की परवाह के जंग लड़ी और पाकिस्तान को धूल चटाते हुए उसके दो टुकड़े कर बांग्लादेश बनाया। भाजपा के लोग कहते हैं कि सिर्फ मोदी जी हैं जो पाकिस्तान को सबक सिखाते हैं। हम एयर चीफ मार्शल धनोआ जी का सम्मान करते हैं। 26 फरवरी को बालाकोट में किए गए हमले के संदर्भ में उन्होंने कहा, वायुसेना के टारगेट को हिट किया था, बम निशाने पर गिरे थे, कितने मरे संख्या बताना सरकार का काम है। आज पूरा देश, विपक्ष जानना चाहता है कि मरने वालों में कितने लोग थे। अगर कोई पूछ लिया तो क्या वह देशद्रोही हो गया? क्या आपके राज्य में पूछने के अधिकार पर प्रतिबंध है? और आप कहते हो कि भाइयों बहनों, राफेल विमान की कमी महसूस हो रही है, राफेल होता तो अच्छा होता। अगर कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष राहुल गांधी जी आपसे राफेल सौदे के संदर्भ में पूछ रहे हैं कि जो कॉन्ट्रैक्ट आपने अपने प्री अनिल अंबानी को दिया, इस भ्रष्टाचार का खुलासा करिए, और आप कहते हैं कि मैं देश का चौकीदार हूं और राफेल सौदे से जुड़े दस्तावेज रक्षा मंत्रालय से चोरी हो जा रहा है, आप कैसे चौकीदार हैं? आपको जवाब देना होगा, आपको देश को जवाब देना होगा कि 8 नवंबर 2016 को आपने नोटबंदी की घोषणा करते हुए कहा था कि इसके पीछे मुख्य मकसद काला धन और भ्रष्टाचार और जाली नोटों पर अंकुश लगाना है। लेकिन नोटबंदी के 2 साल बाद पहली बार रिजर्व बैंक ने
बताया कि देश में 15.41 लाख करोड़ के नोट चलन में थे और आज 15.31 लाख करोड़ रुपए के नोट बैंकों के पास वापस आ गए। कहाँ गया काला धन, किस पर अंकुश लगाया? आपने तो यह भी कहा था कि 2 करोड़ युवाओं को रोजगार दूंगा, किसानों को सही दाम दूंगा, जीएसटी से फायदा मिलेगा। आपने जो बोला था किया क्या? इसलिए मैं निवेदन कर रहा हूं कि आप देश की जनता को गुमराह मत करिए, ध्यान मत भटकाइए। इस देश की जनता आपको जान चुकी है। छत्तीसगढ़ के माननीय मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी, कांग्रेस की सरकार बनते ही जनता से किए गए वादे को निभाना शुरू कर दिया। ये है अंतर आपकी और कांग्रेस की सरकार में। मैं कमांडर अभिनंदन के जज्बे को सलाम करता हूँ, जो मिग 21 से नई तकनीक से बनी F-16 अमेरिका ने जो पाकिस्तान को दिया था कि पाकिस्तान अपने देश के आतंकियों को समाप्त करे, लेकिन उसने हमारी ओर निशाना साधना चाहा, जिसे हमारी सेना के जवानों ने मार गिराया। आज पूरा देश, विपक्ष, जहां देश की बात है तो आपके साथ खड़ा है। आप देश की जनता को गुमराह नहीं कर सकते। मैं अंत में पाकिस्तान के लिए कुछ पंक्तियां बोल रहा हूं। तुमने शीश टिका रखा है अमरीका के जूते पर, और हम तो जंग लड़ा करते हैं अपने ही बलबूते पर। बेशक तुम परमाणु बमों की शैतानी इजाद करो, हथियारों की भीख मांगकर दुनिया से फरियाद करो, लेकिन ये ताकत की गागर खंड खंड हो जाएगी। भूले से भी फेंक न देना भारत की चट्टानों पर, जामा मस्जिद में नमाज पढ़ने का ख्वाब अगर देखा तो। अब की तिरंगा लहरा देंगे पूरे पाकिस्तान पर, अब की तिरंगा लहरा देंगे पूरे पाकिस्तान पर। जय।